अब यहाँ आके कह सकते हैं हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ जेके व्लॉग। और ड्रीम कम ट्रू करना आपको भी जरूरी है जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आके। फाइनली नीचे से चढ़ के वो एसटी बस से अब यहाँ पे तो पहुँच गए और यहाँ पे अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। बस ये चाय आ गई है तो पी लेते हैं, बाद में फिर से कंटिन्यू स्टेप्स या रोपवे पता नहीं, फिर भी अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो हाँ अब तो हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि यहीं एक बज गया है, 5 बजे तक वो हो सके तो ख़त्म कर ही लेते हैं चढ़ने का उतरने का सीढ़ी से। इसलिए शायद 100-200 स्टेप्स तो हो गए होंगे। हाँ थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं हम दोनों, थोड़े थोड़े क्या रेस्ट लेके जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। और वकील भाई बोलो मजा आ रहा है चढ़ने में? बहुत मजा आ रहा है, पावागढ़ बहुत अच्छी जगह है चढ़ने के लिए और अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा है, इतनी ज्यादा धूप नहीं है तो फिर आप लोगों अब भी ऐसे मौसम में ढूंढिए जब धूप ना हो, चढ़ने में आसानी रहेगी और ज्यादा मजा आएगा। तो हाँ आप भी आए और चढ़ने वाला रास्ता लीजिए, ज्यादा वर्कफुल रहेगा। रोपे में तो आप तुरंत ऊपर पहुँच जाओगे उतर जाओगे इसलिए वो क्या फीलिंग नहीं मिलेगी ज्यादा, इसलिए। ये ककड़ी खाने की और साथ में ऐसा म्यूजिक बजता है तो हम मजा भी आता है, एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं वैसा लगता है। सुपर तो चढ़ रहे हैं, शायद आधे रास्ते में तो पहुंच गए और अब बस ये पीछे ये एंशियंट वाला कुछ लग रहा है। तो हाँ चलिए यहीं से ही जाते हैं, वरना वो कॉमन रास्ता तो है बट ये कुछ नया ट्राई करते हैं। बोल रहे थे कि ये दोनों सेम ही रास्ते हैं, जॉइंट आगे ही हो जाते हैं। और ये नज़ारा तो देखो आगे इस साइड। और हाँ मैं जैसे कि बात करूँ तो मैं हर जगह जहाँ पे ये माउंटेन और वैसे जाता हूँ तो हर जगह क्या देखता हूँ, प्लास्टिक। सो हाँ यहाँ पे भी प्लास्टिक का कचरा उतना ही है, डस्टबिन होती है बट कम है डस्टबिन, फिर भी कचरे है उसमें नहीं डालते। इसलिए पहाड़ में आओ तो कचरा या बैग में रखो, पॉकेट में रखो बट खुले में ऐसे ही मत डाल दो। यहाँ पे भी हर जगह में जाते हैं चीन से ज्यादा तो प्लास्टिक ही दिखता है हर जगह। और हाँ आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं हर ब्लॉग में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 1% भी इसमें से सीख ले तो इसमें कुछ या हमारे अर्थ का फायदा है, ग्लोबल वार्मिंग आप तो जानते ही होंगे, क्लाइमेट चेंज। इसलिए हाँ बस बोलता हूँ, ट्राई करता हूँ अपनी तरह से, बाकी तो आपके ऊपर है अब तो। कब से चल रहे हैं और ये पहली बार इतना स्ट्रेट रास्ता भी मिला है, वरना सीढ़ी 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 ही थी इसलिए। और अब तो ये नज़ारा पीछे देख ही सकते हो आप भी। अब तो बादल भी नीचे होने लगे और हम उससे ऊपर भी बादल हो तो मज़ा आ जाएगा, वैसा कभी भी सी एक्सपीरियंस नहीं किए। ये भाई से चला रहे तो रुक गई है गाड़ी, थोड़े रेस्ट कर लो और थोड़े चल लो। हेलो भैया, क्या वीडियो कॉल है? नहीं यूट्यूब यूट्यूबर यूट्यूब है ये भैया, से चला लिया। ए थोड़े रेस्ट लो, थोड़े चढ़ो, थोड़ा रेस्ट लो, लेंगे उसको बहुत रेस्ट लेगा। ये जो आपको दिख रहा है
ये फॉग नहीं है, ये तो अब बादल है। बादल भी अब नीचे हो गए क्योंकि अब शायद बारिश भी ऊपर आ सकती है, तो इसमें प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं। ये जो आप मेरे ये सामने जो देख रहे हो टेंपल, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। अब तो शायद बंद हो गई है, बट 1958 में इसको डिक्लेयर किया था एज आर्कियोलॉजिकल साइट। थोड़े शॉर्ट्स लेते हैं और वापस उतर के दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। अभी थक गया था बट ये सीनरी देख के फिर से अब तो एनर्जी आ गई। सो एज पर डिटेल ये पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर है, ये टेंपल है। यहाँ पे मल्टीपल 1, 2, 3, 4 सब आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। सब तो मेन टेंपल देख के थोड़ी थकान तो मिट गई है। सो वैसे देखे तो पावागढ़ तो आया है चांपानेर में, जब पंडित चावड़ा थे जो यहाँ पे राज करते थे, और बाद में 1482 में मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पे अटैक किया था, और उसके बाद मोहम्मद नाम के ऊपर से मोहम्मदाबाद यहाँ का नाम बदल गया था। बट फिर से जब राजपूतों का राजा यहाँ के चौहान डायनेस्टी का, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया फिर से चांपानेर में। जो चांपा उनके फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड और एक जनरल भी थे, उनका नाम चांपा था, और उसी के लिए ये सिटी का नाम भी चांपानेर पड़ गया। इसलिए अभी भी चांपानेर नेम है और ये पावागढ़ चांपानेर में आया हुआ है। इतनी स्टोरी मैंने विकिपीडिया में पढ़ी, इसलिए लगा के चलिए शेयर कर देते। फिर भी अगर कुछ भूल हो गई हो तो लिंक तो आपको विकिपीडिया के नीचे दी हुई है। ये देख रहे हो अब तो यहाँ पे ये रोपवे का एंट्री यहाँ से ही है। यहाँ पे रोपवे लास्ट में आता है, और अब तो रोपवे वालों को भी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। तो हाँ, यहाँ पे रोपवे में वापस नीचे जाने की टिकट है 89 रुपीज़, और जब ऊपर आना है तब 130 या 131 रुपये है। सो पावागढ़ आते हो, यहाँ पे हर जगह में क्या मिलता है, ये बस ऐसे छोटे छोटे स्टॉप्स जो यहाँ के मेन क्या कह सकते हैं अट्रैक्शन भी है, और एक्टिव रखते हैं, वहाँ पे बैठने का भी अच्छा होता है। और अब तो बस ये ऊपर आ ही गया, अब बहुत नहीं रहा है, शायद 150 स्टेप्स या उतने ही रहे। अब तो बादल यहाँ मार्केट में भी आ गए, आज क्लाउडी वेदर बहुत है इसलिए यहाँ पे बादल इतने सारे, वरना जनरली कम होता है। मैं 2-3 बार आया हूँ बट तब ऐसा नहीं दिखा, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। फाइनली यहाँ पे ऊपर तो पहुँच गए, और हाँ एक भैया थे जो स्टार्टिंग में साथ में ही थे, कितनी बार मिले, आगे पीछे मिलते ही रहे। तो हाँ ये रहे तीनों भैया, फाइनली पहुँच गए, थक गए थे, मैं भी थक गया था इसलिए साथ में है। चलो बढ़िया मिले हैं बाद में, ठीक है। हाँ ओके, चलिए कभी मिलेंगे वापिस जरूर। चलो ओके, थैंक यू। अब तो ये एकदम देख रहे हो फॉगी वेदर हो गया है, ये क्लाउड्स है इतने, और बारिश ना है तो अच्छा है बस, क्योंकि मोबाइल भी साथ में। अब तो एकदम मस्त वेदर हो गया है, ठंडक हो गए, पूरी थकानी मिट गई यहाँ आके। अब तो लगता है कि शायद यहाँ पे मंदिर अब यहाँ से ऊपर ही है वो दिख रहा है, पता नहीं फॉगी वेदर में दिख पा रहा होगा या नहीं क्लियर, बट हाँ अब वहाँ पे ऊपर मंदिर है, और यहाँ वेदर तो देख ही सकते हो एकदम वर्थफुल है। यहाँ पे इतना छोटा एक्सपेंस करके ये प्राइसलेस मोमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। अब तो ये बस फाइनल थोड़े स्टेप्स बाकी रहे। अब तो बस यहाँ पे टॉप में पहुंच गए, और अब आगे अंदर से मंदिर का एरिया स्टार्ट हो रहा है।
जहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो हाँ, यहाँ पे अब रख देंगे, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ऊपर से तो वापस आ गए हैं यहाँ पे नीचे, और अंदर शूटिंग नहीं किया था जैसा वहाँ पे लिखा था, क्योंकि बोलते हैं तो रिस्पेक्ट करना तो बनता ही है, इसलिए ये रहा रास्ता और वो रहा लेख। फिर से वही मार्केट में आए। अब ये पूछना है यहाँ पे कि वो नवलखा कोठार है, वहाँ पे जाने का रास्ता कौन सा है वो नहीं मालूम है, इसलिए चलिए आप नवलखा कोठार जाऊ हुए तो आगर थी अजी आम पछी नवलखा का रोड का। तो मैंने पूछा तो सही वहाँ पे तो बोला कि ये स्ट्रेट रास्ता जो आए थे चढ़ के वहीं, वो रास्ते से कुछ जाता है एक और दूसरे, वही ट्रेल से जाने का ट्राई करते हैं कि 6 बजे से पहले वहाँ जाके फिर से वापस इधर आ जाए। गाइस फाइनली नवलखा जा रहे। गाइस जो वो मंदिर दिख रहा है वो पहला मंदिर नहीं, दूसरा नहीं और ये तीसरा नहीं, बट यहाँ पे ये एक दूसरा रास्ता जाता है, वहीं से डायरेक्ट ये नवलखा जा सकते हो। सो सामने अब तो दिख रहा है नवलखा। हाँ चलिए जल्दी जाते हैं, और ये सूरज अब तो निकल गया जैसे कोई गोल पा लेते हैं, लग रहा है जैसे अपनी मंजिल मिल गई हो। हाँ सो ये रास्ता तो देख रहे हो, उससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत पब्लिक नहीं आती है, बट जो नहीं आती है और कोई कोई आती है उनमें से ही मैं एक हूँ। अब यहाँ आके कह सकते हैं हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू दी ऑल न्यू एपिसोड ऑफ जेके व्लॉग, और ड्रीम कम ट्रू करना आपको भी जरूरी है जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आके। चलिए अब यहाँ पे आ गए तो अंदर जाना तो बनता ही है। सो गाइस अगर ये प्लेस की बात करें कि ये नवलखा कोठा तो ये था क्या, तो हाँ जब ये राजा रानियों का ज़माना था, जब मुगल एम्परर और वो सब यहाँ पे थे, तो यहाँ पे गोल्ड सवेरात ग्रेन्स होते हैं वीट और वैसे सब कुछ यहाँ पे स्टोर करते थे, और ये तभी से यूज़ हुआ, बट बाद में जैसे जैसे टाइम चलता गया इसका यूज़ कम होता गया। सो हाँ आप ही देख रहे हो इसकी हालत तो आप देख ही सकते होंगे, और ये भी एक हिस्टोरिकल साइट कह सकते हैं, बट पता नहीं ये लोगों को कम मालूम होगी इसलिए ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक भी कम है, और व्यू की तो बात ही मत करो, सपना लग रहा है भाई सपना। फोटोज खींचे, थोड़े वीडियोस लिए, बट मेन तो वही है कि यहाँ की मेमोरी बन गई, जो सपना था कि यहाँ पे बस एक दिन आना है व्लॉग उतारना है। 3 महीने से या 4 महीने से ट्राई कर रहा था, विश लिस्ट में डाला हुआ था कि पावागढ़ जाऊँगा तब यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, लाइक ये वीडियो ही अब तो मेन है कि 10 साल के बाद भी अब देख पाऊँगा, और जो भी सपना होता है सच कर देने का बस वही है ख्वाब। अब तो सूरज भी ढल रहा है तो हाँ चलिए हम भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि रोप पे 6 बजे बंद हो जाता है। गाइस फाइनली पहुंच गए हमारे रास्ते, और लास्ट में उतरते उतरते सांस फूल गई। सो ये थैंक यू ये काका को जिन्होंने ये रास्ता कहा था, तो हाँ वही रास्ते गए और बात ही मत करो वैसा एक्सपीरियंस हुआ, सो थैंक यू काका। चलो टाइम तो हुआ है 5:30, 6 बजे तक टाइम है, 86 रुपीस या 89 रुपीस टिकट है रोप पे की, तो हाँ चलिए अब टिकट ले लेते हैं।
फाइनली नीचे तो पहुंच गए। अब तो बस थोड़ी देर में ही नीचे पहुंच जाएंगे चांपानेर बस स्टॉप पे। बहुत चल चला रहा है वैसा लग रहा है। आती है ना गाड़ी।